अभी भी हमारा चित्तौड़गढ़ में किला है, लेकिन ये साफ 8 पीढ़ी गुजर गई है, आज तक हम गए नहीं। अब ऐसे ही रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में फैले पड़े। आज मैं आ चुका हूँ इस लोहार बस्ती में, आज हम इनसे मिलेंगे और इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी दिनचर्या के बारे में, जानेंगे कि क्या कैसे रहती है इनकी दिनचर्या, क्या खाना पीना ये करते हैं और कैसे चलता है इनका गुजारा। आप मेरे सामने पीछे देख सकते हैं, ये लोहार की बस्ती है जो कि लोहे का काम करते हैं और उससे ही अपना गुजारा ये चलाते हैं। तो चलिए मेरे साथ मिलते हैं इनसे। लोहारा राजस्थान से, महाराणा प्रताप के वहाँ से, महाराणा प्रताप की लड़ाई जब दिन छुपी थी ना, जब से जब के दादा परदादा निकल गए थे, सब राजस्थान से आए होंगे, चित्तौड़गढ़ से निकले हुए। हमें पहले दे रखी थी कसम, कोई किसी के घर में नहीं रहना, घर बना कर नहीं रहेगा। अब तो सब रिवाज बदल गए, जिस पे है पैसा बना रहे ना। चूल्हे पे आप चढ़ गई आलू मेथी की सब्जी, उसके बाद हम कवर करेंगे गर्मा गर्म चपाती। आंटी कैसे बनाते हैं इस चूल्हे पर? मेरा नाम है अंजलि, मैं एक क्लास में, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हिंदुस्तान में तो पूरे भारत में फैले हुए हैं। अच्छा, जहाँ हम हैं चित्तौड़गढ़ के। अच्छा, चित्तौड़गढ़ है महाराणा प्रताप के वंश के हैं। जब ये ऐसे हुआ था औरंगजेब से जब जंग छिड़ी थी महाराणा प्रताप की, तो जंग तो महाराणा प्रताप जीत के आगे थे, तो वहाँ चुगली चलती थी पहले से, तो लाल झंडी थी हमारी, हरी थी इनकी औरंगजेब। तो दुश्मनों ने हरी झंडी दिखा के, तो वहाँ से जब प्रजा ने, हमने ये सोचा जब राजा नहीं रहा तो प्रजा कैसे रही, इसलिए हम सब इधर दाएं बाएं सब वहाँ से निकल गए। अभी भी हमारा चित्तौड़गढ़ में किला है, लेकिन ये सात आठ पीढ़ी गुजर गई है, आज तक हम गए नहीं। तो हमारे में से जो कहते हैं अपने आप को गुजर हैं, ये भी वहाँ से ही हैं। जैसे खाकी या सब्जी बोते हैं जमुना के किनारे, वो भी वहाँ से ही निकास है, सब राजपूत राठौर महाराणा प्रताप के वंश के। तो आप मतलब ऐसे रहते हैं रोड पे, तो घरों में क्यों नहीं रहते, अपना घर क्यों नहीं बनाते? हमने कसम ये खाई थी कि जब तक हम अपने देश हम आजाद नहीं कराएंगे, किला छीनेंगे नहीं, जब तक हम रोड पे ही रहेंगे। किससे नहीं छीनेंगे? जैसे सरकार पहले जंग से जीतती थी, अब सरकार बसाएगी तो बसना चाहते हैं, नहीं पहले हमारे यहाँ दिया नहीं जलता था, सीधी खाट पे नहीं सोते थे, कुएं पे चढ़ के पानी नहीं भरते थे हम लोग। तो आपके जैसे लोग मतलब ऐसे ही रहते हैं रोड पे? सब ऐसे ही रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में फैले पड़े। क्या क्या मतलब इससे गुजारा करते, क्या क्या बनाते हैं आप यहाँ पर? ये है छेनी हथौड़ा, पुराने हो जा रहे थे, इनकी रिपेयरिंग करते हैं, अपना गुजारा इसी में चलता। छेनी बनती है, हथौड़े बनते हैं, लोहे का जो भी आइटम है सारा का सारा टोटल यही बनता है। कभी नहीं भी हो पाता है।
अंडी क्या क्या मिलाया आटे में आपने? बेसन मिलाया। बेसन के अलावा और क्या है? अजवाइन है, काला नमक है, सफेद नमक है। क्या बात। हम तो यही खाते हैं, गैस के नहीं खाते हैं। अच्छा, गैस की भी खाते हैं? गैस की रोटी है ना, गैस बना देती है, इसकी वजह से नहीं खाते हैं। ऐसा है? किसने बताया आपको, किस डॉक्टर ने बताया है? हमें पता है, हमारा गैस है, बड़े वाला सिलेंडर। अच्छा, जिस दिन वो रोटी खाते हैं गैस बन जाती है? गैस बन जाती है। अच्छा, कभी बरसात उरसात में बना लेते हैं ना, बारिश उरिश में, तो गैस कर देती है। बच्चों पढ़ाई नहीं करते आप? पैसे मांगते रहते, पढ़ाई नहीं करते। घंटा है, पैसा है, पैसा कहाँ से लाएंगे? अपने मन के अंदर से कुछ नहीं बने। हाँ, हम तो ये कहे थोड़ा बहुत पढ़ लिख के, जैसे हम लोग, हमें ऐसे ही ना हो। हमारे उधर तो मेड की साइड में सबको 50-50 गज के प्लॉट। अच्छा। सबको बना बना कर तैयार दे रखे है सरकार ने। सरकार की तरफ कुछ मदद मिली है? कुछ भी नहीं मिलती है। मैं तो नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा, वैसे हमेशा की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं, मदद नहीं, मिलती है? नहीं। कुछ नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। यहाँ रहते रहते ना 40 साल हो गए, अभी तक तो कुछ करा नहीं। करना होता तो जगह नहीं देते, कहीं ठिकाना नहीं करते इनका भी। क्या डिमांड चाहते हैं, मतलब सरकार क्या करे, मतलब जगह रहने के लिए जगह दे और घर बना के दे दे बस, और क्या चाहिए? घर बना के। हाँ। तो जी, हमारी गर्मा गर्म रोटी बनकर तैयार, आटे और बेसन की। हाँ। क्या बात है। आलू मेथी, आलू मेथी की सब्जी गर्मा गर्म, क्या बात है। कितने बजे खाना खाते हो दोपहर का? किसी टाइम मिल जाए काम से फुर्सत हो उसी टाइम खा ले। और रात में? रात में खा लेते 10-9 बजे। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? हम सुबह तो 5 बजे उठ जाते हैं। फिर चाय पीते हैं? हाँ। नाश्ता आपका 6-7 बजे तक हो जाता है? हाँ। मुझे तो इनके साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।